आज फेम पर हमारा जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है विच इज कॉल्ड द बिग टिकेट टू बॉलीवुड हु एक्चुअली पेज इज इट द कंज्यूमर और इट इज इट द फिल्म मेकर आप फ्रॉम द एक्टर फ्रेटर्निटी आर यू द एक्सपर्ट दैट हैज टू गिव योर ओपिनियन सो आई बिगिन डू यू व्हाट डू यू थिंक हु एक्चुअली पेज इज इट द व्यूअर और द फिल्म मेकर इन बॉलीवुड पैसा कौन देता है आई फील इट्स अ वेरी अनफेयर काइंड ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज कुछ जो बड़ी फिल्में बनती है उनके लिए बहुत पैसे होते हैं उनको वो 100 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं और मुझे लगता है कि ये जो अभी आज 100 करोड़ एंड 80 करोड़ एंड 150 करोड़ आई थिंक दिस बबल इज गोइंग टू ब्रेक वेरी सून फॉर अ न्यू फिल्म मेकर बेचारा उसके लिए बहुत बड़ी वो घर से उसको घर बेच के पैसा लाना पड़ता है उसके लिए कोई फंडिंग नहीं सो दैट वे इट्स काइंड ऑफ अनफेयर बट अल्टीमेटली आई फील दैट इट्स द फिल्म दैट विल कैरी द whatever burden it has on it. If the film is very good, then people are going to go and watch it. If it is not, then kitne bhi bade ho, to uska kuch khas hone wala nahi. So I feel both ways. Consumer also pays and of course, independent filmmaker has to pay. What the expert has to say? I would say that the consumer pays, of course, because, you know, it's a process like a director, producer, they make film. Then it goes to the distributor, it goes to the exhibitor. So there are a lot of people in between who make money. So by the end of the day, it is the distributor, exhibitor and the audience. Do you think, is it fair to hike ticket prices for the big films? And choti filmon mein to hota nahi, Rushi achha sawal hai ye main kahunga. Bahut achha sawal. Aapko kya lagta hai Sagita ji? Aap bataye ki jo badi filmein hoti hain, uske liye prices turant hike ho jate hain. The recent example is Rustam. जिसकी वीकेंड की टिकट्स 290 रुपीस की थी एंड इवन द वीकडेज टिकट्स वर 210 एंड समथिंग सो वेयर डज द लोकल जनता आम जनता रेट वी से गो फॉर फिल्म्स लाइक दिस अगर प्राइसेस इतनी बढ़ते जाएंगे नो आई थिंक इट्स नॉट फेयर बिकॉज दिस इज लाइक आर्म ट्विस्टिंग अभी अच्छी फिल्म आई है अभी आपको देखनी है तो बेटर पे व्हाटएवर वी आर सेइंग सो आई थिंक इट्स कंप्लीटली अनफेयर इट्स नॉट फेयर एट ऑल But then what is happening is, you know, there is no balance as such as far as the content is concerned. Every week there are films coming up. There are so many films coming up. But how many films do well? Mm-hmm. So one out of the blue, ek achhi film aati hai, then everybody wants to make money out of it. Everybody who is involved. And who is the bali ka bakra is the audience. Also, I feel that, ki, dekhiya, hum 1.2 billion log hai. Aur theater sirf 16,000, 17,000 hai, jinmein 5,000 to chalte nahi hai. 8,000 तो साउथ में है बचे 3,000 उसमें से मल्टीप्लेक्सेस ही कुछ 1,500 होंगे 1,300 सो वी डोंट हैव थिएटर्स तो हाउ इज आप चाइना जाइए और देखिए कितने थिएटर उनके पास आप अमेरिका जाइए उनके पास कितने थिएटर सो टू केटर टू दिस ह्यूज ऑडियंस तो क्या होता है कि थिएटर इतने ही है तो फिल्म मेकर ने 100 करोड़ की फिल्म बनाई है अब उसको पैसे चाहिए वापस अगर थिएटर ज्यादा होंगे और थोड़ा सा गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे थिएटर बनाने के लिए क्योंकि ये कोई बहुत कमाल की बिजनेस भी नहीं है थिएटर वालों के लिए उनको भी एक आध फिल्म कोई चल जाती है तो दे वांट ऑल जूसेस एंड मिल्क इट सो आई फील द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स ये तो होता रहेगा फिल्म मेकर ने 100 करोड़ की फिल्म बनाई है उसको चाहिए अपने पैसे वापस तो वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है टिकट ये क्रिटिक्स हो या ये जो भी फॉल प्ले चल रहा हो ये ऑडियंस से सफर नहीं होती है मुझे तो लगता है कि फिलहाल तो इस चीज से जो आपने बोला इससे तो पब्लिसिटी ही मिल रही है तो क्रिटिक किसका करेंगे अभी तो पिक्चर आई नहीं उन्होंने कह दिया कि ट्रेलर ही ऐसा है वो ट्रेलर देख कर वो पूरे संक्षेप निकाल दिया आप जीनियस हो भाई ट्रेलर देखकर फिल्म समझ जाते हो हम तो फिल्म देख कर ट्रेलर भी नहीं समझते आप जिस क्रिटिक की बात कर रहे हो वो क्रिटिक थे ही नहीं और है भी नहीं आप जबरदस्त उनको क्रिटिक क्यों बना रहे हो मैंने नहीं बनाया ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनको ठीक है उनकी भी अपनी फॉलोइंग होगी ठीक है उनके भी लोग होंगे जो फ्री कंट्री कोई भी कुछ भी कह सकता है अच्छी बात है उन्होंने कुछ बोला तो जिसको sentiments अजय सर के जरूर यहाँ hurt हो गए कहीं ना कहीं और no I don't think people because it is his dream project as we all know they are not bothered अजय देवकर is not bothered about who is saying what it's all about his film they are neither is Karan Johar bothered about who is saying I don't think so they have made films they are big